गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर इंग्लिश क्लासेस। सो क्लास सेवेंथ ए एंड बी, आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशंस, फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस विच आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 18th ऑफ अक्टूबर। सो क्लास, वी आर रिवाइजिंग आवर टॉपिक्स डे बाई डे इन द ऑफलाइन मोड स्कूल टाइमिंग। Now in this class we are going to learn a new lesson, and that is from the unit of English literature, that is chapter number 13, trees। ठीक है बच्चों, तो हम लोग chapter number 13 में trees के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। This is a poem and it is written by Harry Behan। तो ये एक poem है और इसको किसने लिखा है? The writer of this poem is Harry Behan। Okay, so this is on page number 77, so everyone should open the book and come to page number 77। trees को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो पेड़ बोलते हैं। ठीक है, trees are very beneficial for us। ठीक है, trees gives us oxygen, it absorbs carbon dioxide from our atmosphere, and they provide shade and various other minor products and major products too, like timber, wood, log। Okay, different types of trees provide different material, like rubber trees provide rubber, neem trees provide medicines, and other trees provide woods and many other things। So introduction mein kya likha hai bachon? It is said that trees are our best friends। Trees gives us everything without expecting anything in return, but human beings don't even think for a second before cutting trees। यहाँ पे बताया जा रहा है, it is said that trees are our best friends। ऐसा कहा जाता है कि जो trees होते हैं, they are our best friends, वो हमारे सबसे अच्छे मित्र और सच्चे मित्र होते हैं। Trees gives us everything, जो पेड़ है वो हमें बहुत कुछ देते हैं, without expecting anything in return, बिना किसी चीज़ को, बिना उन लोग किसी कोई भी चीज़ हमसे मांगे, वो हमें निस्वार्थ भावना से, विदाउट सेल्फिशनेस, वो हमें बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। तो दे आर वेरी सेल्फलेस इन नेचर। ठीक है, बट ह्यूमन बीइंग्स डोंट इवन थिंक फॉर अ सेकंड बिफोर कटिंग ट्रीज। ट्रीज़ हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं, वो भी इन फ्री। ठीक है, विदाउट टेकिंग एनी थिंग फ्रॉम अस, दे गिव्स अस सो मैनी थिंग्स, देन ऑल्सो वी डोंट थिंक फॉर अ सेकेंड बिफोर कटिंग अ ट्री। वाई? बिकॉज वी बेयरली रिस्पेक्ट ट्रीज, और वी बेयरली अंडरस्टैंड द थिंग्स और द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ओके, सो वी शुड, दिस शुड बी इन आवर सेल्स, ये हमारे अंदर होना चाहिए, दैट we should think many times before cutting a tree, because पेड़ जो है बच्चे, इतनी जल्दी तो वो इतना बड़ा हो नहीं जाता है। पेड़ को बड़े होने में, छोटे से पौधे को आप लगाओगे, फिर उसको बड़े होने में सालों लग जाते हैं। बड़े होकर के जब वो उसको फल देगा, जब आपको वो फल देगा, फूल देगा, लकड़ी देगा, माइनर प्रोडक्ट्स देगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको देता है, उसमें टाइम लगता है। एक पेड़ को, हर पेड़ को बड़े होने में अलग अलग टाइम पीरियड लगते हैं, और एक पेड़ को एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, तो इट ऑलमोस्ट टेक्स 10 to 15 ईयर्स टू बिकम अ प्लांट और ट्री। एक पौधे को पेड़ बनने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे, ऑन एन एवरेज बेसिस, इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोयम। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs। So first line का मतलब क्या होता है बच्चों? Trees are the kindest things I know। तो यहाँ पे poet जो हैं वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये पेड़ों के अहमियत के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। He is telling us the importance of a tree। He is saying that trees are the kindest things that we know। Kindest मतलब वो चीज़ जो हमें बहुत सारी चीज़ें जो निस्वार्थ भावना से हमें प्रोवाइड करती है, विदाउट एनी सेल्फिशनेस। तो ये बताते हैं कि ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही काइंड होते हैं, और इतना वो काइंड है कि इससे ज़्यादा बड़ा काइंड चीज़ हमारे
जिसको इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलता है, ठीक है। फिर दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। तो जो ट्रीज़ हैं वो हमें किसी भी एंगल से हमें नुकसान नहीं, कोई भी हमें परेशानी या फिर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दे सिंपली ग्रो, वो बस ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। और बड़े क्यों होते हैं? हमको बेनिफिट पहुंचाने के लिए। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बाउज। और जब पेड़ बड़े हो जाते हैं, उनके ब्रांचेस घने हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, जितनी भी दूर पेड़ फैला रहेगा उतनी दूर में वो छाया देगा, शेड प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे नीचे आदमी लोग भी बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे काउज़ के बारे में बताया जा रहा है, जो काउज़ हैं, गाय हो गई, बफैलो हो गई, शीप हो गई, वो वहीं पे पेड़ के नीचे बैठ जाती है, ताकि गर्मी से हमें राहत मिलती है, छाए में हम रहते हैं, धूप का हमको सामना नहीं करना पड़ता है, और हमें ठंडी हवा भी मिलती है और अबेंडेंस ऑफ ऑक्सीजन भी मिलता है। एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बोज, एनी ऑफ द लार्जर ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। और जो चिड़िया है, जो बर्ड्स होती हैं, वो पेड़ की ब्रांच में, बड़े से ब्रांच में जा कर के बैठ जाती हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी एज अ होम काम करता है बड़े बड़े पेड़। तो पेड़ के बारे में आप यहाँ पे दो चीज़ें समझ सकते हो, दो क्या तीन चार चीज़ें समझ सकते हो। बर्ड्स के लिए वो एज अ होम है, एज अ शेल्टर, घर के बराबर है बर्ड्स के लिए। काउस को शेड प्रोवाइड कर रहा है, ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, एंड दे आर सेल्फलेस इन नेचर। ट्रीज़ आर सेल्फलेस इन नेचर, वो हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, ठीक है। जब पौधा रहता है तो उसको हम लोग पानी खाद देते हैं, तब वो बड़ा होकर के जब पेड़ हो जाता है तो वो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना खुद बनाता है, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लेता है कि वो ग्राउंड वाटर से भी पानी अपने से ले सकता है। जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो हमें उसको इरिगेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो बारिश के पानी से उनकी सिंचाई हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में समझा। दे गिव अस फ्रूट एंड लीव्स अबव एंड वुड्स टू मेक आवर हाउसेज ऑफ एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। तो वो हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स देते हैं, लीव्स देते हैं, ठीक है। तो हमें जब ऊपर का जो पोर्शन होता है पेड़ का, एक तो नीचे होता है वो जड़, जो ज़मीन के नीचे होता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, जो उसके बड़े से ब्रांचेस होते हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं, और जो लीव्स हैं और फ्रूट्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें वो फ्रूट्स देते हैं, वो हम लोग खाते हैं, लीव्स जो हैं उनको हम लोग ड्राई करके, सुखा करके एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि दे गिव्स अस फ्रूट एंड लीव्स अबव एंड वुड टू मेक आवर हाउसेज ऑफ, और लकड़ियों से हमारे घर बनते हैं। हमारे घर में जो लकड़ियों के दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, वो सारी लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं? तो वो सारे लकड़ियाँ हमें पेड़ से मिलते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन, और जो लीव्स हैं, जब पत्तियाँ सूख जाती हैं तो उनको हम लोग जलाते हैं, ठीक है। हैलोवीन यहाँ पे बताया जा रहा है डे बिफोर ऑल सेंट्स डे डिवोटेड टू प्रैंक्स। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फेस्टिवल एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द फॉर दिस जीसस क्राइस्ट, दैट इज़ डे बिफोर ऑल सेंट्स डे। एंड इन दिस फेस्टिवल द ड्राइड लीव्स आर बर्न, सो इट इज द पोएट इज सेइंग दैट लीव्स आर देयर टू बर्न ऑन हैलोवीन एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। वहीं अगर हम स्प्रिंग सीज़न की बात करें, ठीक है, तो स्प्रिंग सीज़न में आप देखते हो कि नए नए प्रकार के आपके पेड़ों पर या फिर पौधों पर नई नई कलियाँ, नए नए पत्ती आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, नए नए स्टेम्स, ब्रांचेस, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन आपको ट्रीज़ पे स्प्रिंग सीज़न में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप इसको फेस्टिवल से कोरिलेट कर सकते हो। हैलोवीन पे हम लोग ड्राई लीव्स को बर्न कर रहे हैं और स्प्रिंग सीज़न में नए नए हम लोग पत्ती को और बर्ड्स को वेलकम कर रहे हैं। दे आर फर्स्ट व्हेन डेज बिगन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। तो दे आर फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, जब दिन की शुरुआत होती है तो वो पेड़ जो हैं, टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, पेड़ सबसे पहले सूर्य को, रोशनी को अपने अंदर इनहेल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ जो होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, दे आर
दे मेक फूड बाय themselves. वो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन योर साइंस सब्जेक्ट. सो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेक फूड एंड देयरफॉर दे आर वेरी ईगर टू टच द बीम ऑफ मॉर्निंग सन. तो जो सुबह सुबह की रोशनी होती है सूर्य की, उसको पाने के लिए, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं. एंड दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट. और जब रात होने वाली होती है, शाम के बाद जब रात होने वाली होती है, तो भी क्या होता है, लास्ट सूर्य की रोशनी सबसे अंत में कहाँ से होकर के सूरज डूबता है, तो पेड़ों के ऊपर से ही सूरज जा करके डूब जाता है. तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हो. एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हमर ड्राउजी लुलाबाय ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो. ट्रीज आर दी काइंडेस्ट थिंग्स आई नो. एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, मून फ्लोट्स ऑन द स्काई का मतलब यहाँ पे है जब आसमान में चांद निकल जाता है, चंद्रमा निकल जाता है. दे हमर ड्राउजी लुलाबाय, तो रात में आप देखते हैं, रात में क्या होता है, चंद्रमा निकलने के बाद आसमान में जो पेड़ हैं वो जब हवा आती है तो इस तरीके से पेड़ जो हैं उनकी पत्तियां डोलती हैं, ब्रांचेस डोलते हैं, कि एक अलग ही तरीके की आवाज़ हमारे कानों में जाती है. और यहीं पे हम ये बताना चाहते हैं कि पेड़ जो हैं वो गाना गाते हैं. लुलाबाय मतलब लोरी सुनाते हैं, ठीक है, हमें वो लोरी सुनाते हैं ताकि रात में हम सो सकें. तो ट्रीज़ यहाँ पे राइट पोएट क्या बताना चाहते हैं कि ट्रीज़ हमें लोरी सुनाते हैं जब आसमान में चंद्रमा निकल जाता है. ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो ट्रीज़ आर दी काइंडेस्ट थिंग्स आई नो. तो बच्चों को सुलाने के लिए ये गाना भी गाते हैं. और फिर वही बात बताते हैं पोएट कि ट्रीज़ आर दी काइंडेस्ट थिंग्स आई नो. तो पेड़ जो होते हैं वो सबसे बेस्ट थिंग्स होते हैं. दे आर दी काइंडेस्ट इन नेचर, दे आर दी modest in nature and they are very beneficial to us in many ways. So trees की importance हम जितना भी बोल लें उसको गिना नहीं जा सकता है. trees are very important for us, so we should not harm trees, rather we should plant more and more trees for our upcoming generations, for us, for the balance in our environment and ecology. Okay, so that the more trees we plant, the more air we get, the more fresh air we get, the more healthy life we entertain. Now this poem is over. Okay, then the question and answers we will do in the format of we will do in the online offline classes. And then what you have to do, aapko kya karna hai, you have to write down in your copy chapter number 13 trees. Write down the above 8 lines. That means trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow. ये वाला पूरा paragraph लिख लीजिए copy में. और second paragraph, that is they give us fruit and leaves above till and in the spring new buds of green. ये 8 line आप copy में लिखेंगे. Diagram बनाएंगे, diagram में tree को पूरे अच्छे से जैसा आपके book में बनाया गया है वैसा बनाएंगे, उसको color करेंगे अच्छा, तभी वो देखने में अच्छा लगेगा. और आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आज आपका काम क्या रहेगा, इसकी जो वर्ल्ड मीनिंग्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, बस 5 वर्ल्ड मीनिंग्स आपके बुक में लिखी हुई हैं इस चैप्टर के पीछे, उसको लिख लेना है, ठीक है. कल हम लोग इसकी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में करेंगे, ठीक है. टिल देन डू दिस मच ऑफ वर्क एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन वेल. थैंक यू.